अदील को पुकारती उसकी बहन समेत अहले खाना को उसकी यूं नागहानी मौत का यकीन ही नहीं आ रहा। अदील हस्बे मामूल घर से अपने वालिद की दुकान पर जाने के लिए निकला, लेकिन खिलाफे मामूल मोटरसाइकिल की खराबी ने उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर मजबूर कर दिया। अभी अदील को बस स्टॉप पर खड़े हुए चंद ही लम्हे हुए थे कि धमाका हो गया। अभी तक यकीन नहीं आ रहा है मुझे, हालांकि डेड बॉडी सामने की, वो क्या हुआ उसके साथ मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। 20 साल अदील बीकॉम का तालिब इल्म था, लेकिन पढ़ाई के साथ घर के खर्च का बोझ बांटने के लिए वालिद का हाथ भी बटाता था। धमाके से सर और गर्दन में लगने वाले बॉल बेयरिंग उसकी मौत का सबब बने। अदील की अचानक मौत ने माँ पर तो जैसे सख्ता तारी कर दिया, जबकि उसके चाहने वालों की आंखों से जारी आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो खुदा के वास्ते रक्शे पकड़ो, टैक्सी पकड़ो, बसे पकड़ो, लेकिन अपने प्रोटोकॉल खत्म करो, वीआईपी कल्चर खत्म करो, सिस्टम खत्म करोगे तो हम गरीब बचेंगे। मुस्तकबिल में क्रिकेटर बनने का ख्वाब आंखों में लिए अदील अपने प्यारों को छोड़कर अब भी नींद सो गया, लेकिन कानून नाफिज करने वालों के लिए सवाल छोड़ गया कि उस समय तो और कितने नौजवान दहशत गर्दों का निशाना बनते रहेंगे। खलील की मैयत को सफरे आखिरत के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन उसकी यादें उसके घर वालों के दिलों में हमेशा ताज़ा रहेंगी। कैमरामैन खलील आदिल के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़, कराची।